बिहार भारत के उन राज्यों में से है जहां सामंतवाद की जड़ें बहुत गहरी रही है। सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म वो व्यवस्था है जिसमें केवल कुछ समृद्ध लोगों के पास अपार भूस्वामित्व और सामाजिक सत्ता थी। भारत में ये लोग हमेशा उच्च जातियों से आए। इस व्यवस्था ने समाज में गहरी असमानता पैदा की और भूमिहीन किसान और मजदूरों के जीवन पर जमींदारों का कब्जा बढ़ता गया। किसान मजदूरों की स्थिति दयनीय थी और वो बंधुआ मजदूरी, दास प्रथा, गरीबी, भुखमरी जैसे सामाजिक और आर्थिक तंज झेलते रहे। इसी का नतीजा था कि बिहार ने 70 और 80 के दशक में कई विद्रोह देखे। भूमिहीन किसान और मजदूर जमींदारों के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए और भूमि सुधार कानून को लागू करने की मांग के लिए प्रमुखता से बाहर आए। लेकिन इन विद्रोहों का अंत खूनी हिंसा के साथ हुआ जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हम आज बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के एक परिवार से मिलने आए हैं जिनका संघर्ष हमें बताता है कि सामंती विचार जो यहाँ की सरकारी व्यवस्था में भी झलकती है कैसे बिहार में आज भी फलती और फूलती है। अमर जी, खराब कपड़ा ले आओ तो हमेशा लगाते हैं, रेगुलरली लगाते हैं क्या? ये पता वाला बाल लाल तो है नहीं ना, काला हो जाता है। इससे काला हो जाता है? अच्छा, आ गए नहा के? ये कलर शादी में जाने के लिए लगाए थे? चलिए बढ़िया लग रहा है। ये घर कब बना है? 2010 में बना है, 2010-11 में। अच्छा, तो उससे पहले कहाँ रहते थे? इससे पहले हम इधर गांव में रहते थे, मामा लोगों का जमीन था उसी में रहते थे। आपके पिता हैं? ना, नहीं हैं। कब गुजरे, क्या हुआ? बच्चे में गुजर गए। अच्छा, वो गुजर गए थे इसीलिए आप लोग अपनी ननिहाल में मामा के यहाँ रह रहे थे। थोड़ा सा बताइए अपने बचपन के बारे में। माँ आपको पाली है, पिता तो थे नहीं। उस समय तो बहुत बदहाली थी। माँ जो है दूसरों का काम करती थी, ला करके हमको खिलाती थी, खाती थी। हाँ, उसमें हमको पढ़ने के लिए भेजती थी। अचानक माँ का तबीयत जो है ख़राब हो गया, कहने लगी कि बाबू शादी कर लो। शादी करा दी। 9वें क्लास तक हम पढ़े। आपको पढ़ाई लिखाई में मन लगता था? मन तो बहुत लगता था, लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी। हालात ऐसी हो गई कि पढ़ाई छोड़ना पड़ा और जो है काम में लगना पड़ा। जिस हालात से हम लोग गुजरे थे उस समय खाने के लिए कहीं नहीं मिलता था, किसी के पास नहीं था। वो मजदूरी करते थे अमीरों का और वहीं से जो है बहुत कम मजदूरी। हटही जो है, हटहिया मंगेबू हटहिया, हाँ यही हटही है। अच्छा, इसी से हाँ। 3 हटही धान मिलता था। अच्छा, मतलब इससे नाप के 3 हटही, इसी से नाप करके 3 हटही धान मिलता था। कूटने पर 1.5 किलो चावल निकलता था आ उतना में जो है सबका पेट नहीं भरता था।
सब्जी तो मैंने मिलता ही नहीं था, उसी का जो है उसमें से निकाला जाता है माड़, माड़ में नमक छिड़क कर और मिर्चा का चटनी बनाकर लोग खाते थे। यही था आप लोग का कमाई और इसी में आप लोग को अपना जीविकोपार्जन करना था। थोड़ा अपना पत्नी के बारे में भी हम लोग को बताइए, क्योंकि शादी हुआ जीवन बदला, मिलवाइए ना उनसे। हाँ हाँ हाँ, आइए बैठ जाए। ये मैंने हमेशा बोलती रहती थी कि मेरे पिताजी कैसे थे कि यहाँ शादी कर दिए कि ना रहने के लिए घर है ना खाने के लिए अन्न है। जब मैंने शादी हो तो तीन आदमी रहे, माई बेटा ही या एगो हम तो पढ़त रहनी। एक बेर के बात है कि घर में कुछ खाए के न तो नौ बेरा रोटी या मरचा भी चोखा फैल। हमारे एगो लड़का बड़न सुंदर मैंने छः महीना का भैर जब नौ बेरा खैनी रोटी मरचा के हम लोग नहीं रोए चीरा सीना कहीं के हम ना खान रह हम सुन खेबू तो दिन भर लैके दूस पिए तो आ मरचा के चोखा रोटी के सर तो वहाँ के माई भड़िए में खुद ही में सुन रहे तो फप फप के गिर भी गाँव में सुनल तरह बात बात गई हम तीन बटे चाउर दिल पोता के कहनी जो वही जा के बना के खा जा आ फिर कहीं से व्यवस्था करिए तो खोई है जान तो तीन बटे चाउर में मन हमने के सात दिन आठ दिन खोने से तीन जान। एक दिन के बात है कि सब्जी कोड़ा तो बन रहे ठीक है कोड़ा रहे पर छानी गो आ न चाउरे रहे न किसान ये कथी बनाए तो यहाँ से कहनी तो कहनी कि अच्छा माई बैल हुई गाँव में तो ले आई कुछ तो बनी तो खाई जाए तो सब्जी बना के धो दो। हमार सास बहनी पूजे कहीं ना मिलल वो बेर बड़ा लोग के घर में तकलीफी रहे तो वो लोग खाए के ना हमारा पास देस वो साँझ रह गई सब्जी वही तर दिन भर वही तर तीन जाना रह गई सब यहाँ के मामा के ससुरारी केहू उनके ससुर मर गए नरकटियागंज में तो खबर आई जो दाह संस्कार कर जाए बहन तेनी बिखले खबर आई तो चल गई तो हम कहनी कथी खाए बनी जो खाई जाए रो तो चल जातनी हम कथी खाई जाए ये कहते से जातनी आओ तनि वही जगह से तो कुछ फूच के आई तो बनी तो रस्ते में नरकटियागंज के एने हमारे नैहर पड़ेला बहन बाड़ी हुई जकबे तो हम कहनी जो जान तो दीदी के खाना मान के खा ली जब बनल हुई तो गईनी तो मैंने हमार बहन गोहरा पाथ तोड़ी ठीक बा गोहरा पाथ तोड़ी ना तो गईनी तो वो गोहरौली में से बुला के लिए कहनी जो दीदी चली हमारा के खाना दी हमारा भूख लागल बा हम दूसरे जगह जाए थी तो बहन हमार अली तो कहली कि ठीक बा आए तोर वही पड़े आए तो मैंने उनसे लौटनी शाम के तो वही पड़े अनी हमार बहन इतना चावल दिल रही पोलथीन में कह के इतना आटा दिल रही तो वह चावल बनौनी तो हमने के तीनों जना खैनी सन रात के खैले फिर रात के खैनी सन चौबीस घंटा हो गए तो अभी बिहान भैल ये सोचनी कि अब लोग नहीं कार के पता लगावे जे तर कोयले से तो पेट ना भरी कहीं कहीं काम खोजेम तो करेम तो पढ़ाई छोड़ दे माने तो पलुआर हो गई तो बिखैले घर में नानू रही तो लगनी केहू केहू से काम पूछे तो आवस लो थी साई जी के मैनेजर आवस लो बोलाओ खतरा चिल्लाए जे चलो काम करे तू खेत में तो यहाँ के आदत हो कि शुरू से उनका खेत में काम करे ना जाए वो देखी नु दुआरे दुआरे लोग चिल्लाए ये थी हरवाह लोग सिपाही वो खाली दुआर पर घूम के कह देल जे अगर चले के मलकाना मने रोपनी होई
सब लोग का चल चल के बा तो सारा लोग के कान में आवाज़ चल जाई तो हर कुदारी लैका फैका सारा चल जाई लो उनका खेत में आ उ कमाई लो तो तीन होटई शायद कि तीन होटई से धान मिली ना दीदी तीन होटई मिली तो ई ना जाए ई कौन जब ना जाए कमाए वही में उ बड़ी काम करवावे लालू तही तो सक धान दे तो हम कौन चीज जाई ना खाए के तकलीफ होता या सब लोग जाके कमाता आ रउ नहीं कमा तो कोई ना हम ना जाए वही में कमाए जे तनको एने उन्ने हो गया तो ना छोड़ी लो मारे लगी लो तो घर में लुका जाए जैबे ना करी हाँ ये घर में लुका जाए ना जाए हम कहीं जे रोज जाए तो कहीं ना हम ना जाए वो कार भर दूसर के कार कर मन उमे ना जाए हाँ तनको एने उन्ने अथी हो एक दिन जाए एक दिन ना जाए दिन देख ली तो लगे लो बिने से घींच के ले जाए जो बोले कुदारी चलाए दूसरा के मन हम उमे ना जाए तो अभी लोगों ने पता लगा जो केकर ऊख खभाता के रोपनी होता ठीक बा अब ऊख खावे खोता तो कुदारी ना रहे पैसा ना रहे जो कुदारी की ना जी ऊख खावी तो केहू केहू को मांग के मने लेके जाई तो एक दिन से दो दिन कम आई नहीं कुदारी चलौनी ऊख में भाई सारा झालका से हाथ फूट के साफ खून खून हो गए काहे के गोने कुदारी चलाए छोड़ दी तो हम ना कुदारी चलाए सही बहुत आंटी ना तो कौन काम कौन जाए तो आदत हो जाए तो चलावे लगन तो ना ठेला हो जाए तो ना फुरवा पोरी जब कुदारी चलावे लगन ही तो मने तीनोटा धान मिले लगल तू बताओ तुम कि मरचा के चोखा खाते तो मरचा के चोखा कैसे बनेला का होला तीता ना लगे हां बड़ी तीत लागे बड़ा तीत लागे बड़ी तीत लागे लेकिन नो बेरा मरचा के चोखा रोटी खलो तो हम नये का टेस्ट नहीं थी न मन परन पॉइंट जे बखारी के बखारी दान पर आ पैसा न और बाप नहीं रह जी और वहां में लिए के शादी को रह जी न रहे के गौर बावना खाए ते न बन बात को अलग बन हम तो नहीं जी अपने वीर रहे हम भी रहने की लिया भी सलवार के थोड़े तो लफन हम कौन ही यहाँ से तो एक कौन ही सी मौत रो हम इज़म से जमीन थीं के दूसरा जग घर बनाए दी जमीन में नहीं थे वो इस सब चीज वो ये कॉलर रंग की तू मौत रही इट्स वही लेकिन बड़ा कष्ट काट के आने रखना लड़ाइया नहीं आई पानी से स्थिति में आप लोग का परिवार गुजर रहा था तो आप और आपके जैसे लोग किस समुदाय से आते हैं? हम लोग अनुसूचित जाति से आते हैं। अनुसूचित जाति में जो चमार जाति से हम लोग आते हैं अनुसूचित जाति में चमार जाति से आते हैं। तो अभी आप खाने के बारे में बताएं अपना कि कुछ साल पहले है ना क्या स्थिति था खाने के लिए भी आदमी को इतना सोचना पड़ता था अभी क्या स्थिति है अभी कुछ बेहतर हुआ? हाँ पहले से तो बहुत ये बड़ा बढ़िया से चल रहा बा खाना कमा के आदमी लैको बालो बाहर जाता टेलो कमा के ले आता लो तो सब चीज कीन के आता। तो आज क्या बनाइएगा खाना? एक बार क्या बनी एक बार करेली की सब्जी बनी अच्छा रोटी बनी अच्छा चलो बनावन दे सब ठीक है। हां पबी नहा भइलू करैली कहाँ बा कितना सुनन माई बेटी भाई से माई बेटी ओय बिल्लू बिल्लू हम तो कभी सुनले ना रही कि मरीचा के चोखा आदमी खाए रखे मरचा के चोखा बड़ी रोई चिला चिला तो मैंने कैसे बने ला वो हाँ। आगे में भूज दिया लोह सुन के हाथे मिस दिया सब बुझाई सिलोट पर पीसल बा हाँ। तो तेल डाल दिया नून रही बोर बोर के खा लिया आग जरा दा हम काट देते हैं। कब कटाई? ये चार पांच को कटाई तो हो जाए बता दिया कैसे हाँ।
चलो तू ही काटता हूँ, बहुत स्लो काटा, एक घंटा लग जाए। लकड़ी उकड़ी कहाँ बा ले ले बाटे वो है चुड़िया तोर बा चुड़िया के लगवा बा। अच्छा कितना हो जाए? हाँ हो जाए, ही जा धो दिए तू तो फट फट काट दिलू हम तो। हाँ तो धीरे धीरे काट दे, हमने के आदत बा। रोज का का सब्जी बनाए जो हरा सब्जी हो जाला? ना हरा सब्जी ज्यादा दाल बनेला आ आलू आ यहाँ खतरा सब्जी किन के आई आधा किलो नु कर दी तो दो दिन तीन दिन बने एगो दूगो एगो दूगो वहाँ का खाली भोज के दे आला चीनिया के चलते हमने के अलुइया खाइने सन सोबिन खाइने सन रोशनी रोशनी ना हाँ छोट छोटा कहने सन पढ़े जा लू मैटी को पैसा चलते दू जन मैटी को छोड़ दो हलो। अच्छा तीन जना आ बड़ को पढ़े बड़न बीए ले। अच्छा तो बड़ को कहाँ बाड़न? उधर नेवता में गई बाड़न। अच्छा हाँ छोटका लेका दिल्ली कमाए गई बाड़न वो मैटी को ले बाड़न। अच्छा दिल्ली में का काम करे? मसाला के काम, मिस्त्री के काम, मिस्त्री के लेबर के। मतलब पूरा जितना गांव में परिवार बा हर परिवार में से कम एक आदमी तो बाहर कमाए। हाँ एक आदमी दो आदमी उंगलो को लईकू लो बाहर जाके कमा लो। बाहर जेला से कुछ सहारा हो? हाँ बाहर जाला लो तो पैसा कौड़ी ले वाला लो तो अनाज पानी कीन दिलो भेजा दिलो कमात रही लो खाता में डाल दिलो मेहरारू जी सब उठा के आ ले आके बोर बाजार को ले वाला लो। कभी कुछ अगर मान लो पर्व त्योहार भइल तो का बनावे? जैसन होली भई तो आगे बनी काजू किशमिश मिला के पुआ बनेला। आ छठ भई तो छठ तो हमनी के ना करने से कर तो नहीं सो छोड़ देनी सन जब से आई अम्बेडकर जी के गांधी जी के अथी जान बनी सन जे कौन शासन उ लोग के संगे भइल बा तब से हमनी के पर्व कोनो ना करे नहीं सन पूजा पाठ छोड़ देने सन। हाँ अम्बेडकर जी के गांधी जी के हमनी के फोटो धो के गोड़ लागे नहीं सन लेकिन खाए खतरा खास्टा बनला मैदा आई घी आई लैका खही है सन। लेकिन ना उ सब ना होला जीवतिया कर लो दिन भर भूख रहनी साझी के खा लेनी दही चिगरा लेकर झगड़ा भइल दोनों जना में खूब झगड़ा भइल खूब झगड़ा भइल हम कहीं ना खाए मैं कहीं कि ना खेबू तो झगड़े चली तो हटाओ पूजा पाठ सब पूजा करते बानी सन आ खाए के रहते नहीं थे ना तो वैसा पूजा करो जो पेट भरो तो पत्थर के पूजा तानी या पेट भरते नहीं थे। गांधी जी के गोल लागल जे चले के सिखावल जे बोले के सिखावल जे हमनी के संविधान बनावल उनका के माने के उनका के हमनी के जाने के आ उनके रास्ता पर चले के यही सब पंडित पखंडी 17 गो जात में एथी बना दे सन पर्व ना। हाँ तो समाज में कब से काम करे लगल? 2002 से ई लड़ाई लागल चले कैसे पता चला कि क्या होती है जमीन सरकार की तरफ से जमीन मिलना है इसके बारे में? वो तो हम लोगों को पता ही नहीं था। वो तो जब सर्वे होने लगा यहाँ गांव में सर्वे हुआ
सर्वे के दौरान एक कर्मचारी थे, उन्होंने बताया कि आप लोगों को जमीन मिलेगा। और जो है बाद में दूसरे दिन जो है यहाँ कैंप लगा और जो है सब लोगों से रेंट रोल लिया गया 500-500 रुपया। और जो है हम लोगों को पर्चा काट करके उसी समय पर्चा मिला और रसीद काट करके हम लोगों को मिल गया। एक बहुत सज्जन डीएम थे, उनका नाम था परमार रवि मन्नू भाई, उन्हीं के आदेश पर जो है ये पर्चा हम लोगों को मिला था। कि आप लोग तो कभी जमीन देखे नहीं थे ना, तो कैसा वो? बहुत खुशी, बहुत उमंग हुआ। लेकिन भूधारी जो है वो चला गया डीएम के फैसले के खिलाफ जो है हाई कोर्ट, केस कर दिया 1890-2004। तो ये भूधारी कौन है? ये जिन जमींदार से हम लोगों को जमीन मिला है उसका नाम रणविजय शाही। इन लोगों के पास जो है जब हाई कोर्ट आदेश दिया जिला पदाधिकारी को जांच करने के लिए, तो 2830 एकड़ 3 डिसमिल जमीन जो है इन लोगों के पास है। 2830? हाँ, 2830 एकड़ 3 डिसमिल। आ इन लोगों का यूनिट उसमें है 15 से 45, तो इन लोगों को 30-90 एकड़ जमीन यूनिट छांट दिया है सरकार, और बाकी जमीन जो है इन लोगों का अधिशेष बनता है। तो वो जो 90 एकड़ छोड़ के जो जमीन था वही गरीबों में फिर बांटने का निर्णय हुआ, उसी का पर्चा आपको मिला, उसी का पर्चा दूसरों को मिला? हाँ। हम लोगों को यहाँ बरगजवा में 77.5 एकड़ जमीन का जो है पर्चा वितरण हुआ। जमीन नहीं मिली हम लोगों के ऊपर, जो है अनेकों जमींदार दूसरे किसी से जो है केस करवाया कि इससे लोग परास्त हो जाए। लोग जो है धान का फसल लगाए और जमींदार लुटवा करके हम ही लोगों पर केस करवा दिया। हम लोग जाते थे सीओ के पास कि भाई हम लोगों को जमीन का पर्चा मिल गया लेकिन जमीन नहीं मिला, हम लोगों को जमीन दिलवाइए। तो जमींदार के ऊपर कार्रवाई कर नहीं होता था, हम ही लोगों पर कार्रवाई होने लगता था, हम लोग पर जो है केस होने लगता था। आ एक दबाव बनाने के लिए हम लोग जो है इधर सड़क जाम, भूमि सत्याग्रह करते रहे, उपवास करते रहे, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिला। 2002 से 2021 तक हम लोग जो है मालगुजारी रसीद जो रेंट होता है सरकार का, वो रेंट हम लोग देते आए हैं। 2021 में जमींदार और जो है हम लोग पर्चाधारियों के बीच में एक समझौता हुआ। और समझौता क्यों हुआ? हम का किए थे कि उस जमीन को परती करवा दिए। परती करवा दिए मतलब? मैंने उस जमीन को जो है न आप जोतिए और न हम लोग जोतेंगे, जब न्यायालय से जब कोई फैसला आएगा तब भी आप जोतिएगा या हम लोग जोतेंगे। क्योंकि वो का किए थे जमीन को, गांव के कुछ लोग के पास जमीन है तो पर्चे वाली जमीन को उन लोगों को दे दिए थे और उन लोगों का जमीन अपने कब्जे में ले लिए, और जरपेशकी भी वो लोग रखे थे कि लफड़ा होगा तो इन्हीं लोगों से होगा, हम लोगों से नहीं होगा, हम लोग बचे रहेंगे और गांव वालों से जो है इन लोगों को लफड़ा बढ़ते जाएगा। तो हम क्या किए कि एक आदमी उस जमीन को जोत रहा था तो जा कर के ट्रैक्टर के आगे खड़ा हो गए, बोले कि भाई अगर आपके पास इस जमीन का कागज है तभी इस जमीन को जोतिए, नहीं तो हम लोग से कागज लीजिए और इस जमीन को छोड़ दीजिए। तो यही हुआ कि वो ट्रैक्टर लेकर अपना चला गया, हम लोगों से झगड़ा नहीं किया। आ हम लोग के पास कागज था, पर्चा था, रसीद था, तो हम लोग दिखाए कि भाई हम लोगों के पास ये सब कागज है, इस जमीन को आप लोग मत जोतिए। तो वो जमीन जो है परती हो गया। जिन लोगों से बदलाइन हुआ था तो वो लोग जाकर भूधारी को जो है बहुत बोलने लगे, और जिनके जो जरपेशकी जमीन यानी बंधक लिए थे वो भी अपना पैसा लगे मांगने, तब जा कर के भूधारी जो है हम लोगों से समझौता किया। तो समझौता किया तो उसमें जो है 4 कट्ठा जमीन 75 लोगों को देने का
बात बन गई, दोनों पक्ष से हस्ताक्षर हो गया, निशान हो गया। 22 लोगों को जमीन नहीं दिया, कुछ लोगों को 2 ही कट्ठा जमीन दिया, किसी को 2.5 कट्ठा जमीन दिया, आ किसी को साफे नहीं दिया। तो उसमें से कितना जमीन 2830 एकड़ में से कितना जमीन लोगों में बटा है अभी तक? 18 एकड़ जमीन उन लोग बांटा है बस, 18 एकड़। 18 तो 130 में से खाली 18 एकड़ उन लोग बांटा है, बाकी सब अभी उन्हीं लोग के पास। हाँ, उन्हीं लोगों के पास है। 2002 से लेके 2021 उन लोगों की तरफ से आपके साथ क्या क्या विरोध का सामना करना पड़ा, कैसे कैसे उन्होंने आपको परेशान किया? पहले तो उन लोग लालच दिया हमको कि 15 लाख 20 लाख रुपया ले लो, 1 बीघा जमीन ले लो, आई 21 मत लड़ो, छोड़ दो इसको। तो हम लोग नहीं माने, पूरा गांव में ऐलान कर दलन जे चमार दूसरा मुसर का काम नहीं। हाँ, पूरा अगल बगल गांव के लोगों को मना कर दिए थे कि इन लोगों को काम नहीं देना है, इन लोगों से काम नहीं करवाना है। भूखे मरी लो तो हमरा लगे आई। उसके बाद ये तो बदमाश बुलवाए थे मारने के लिए, मुझे मारने के लिए, ये जानकार है, खोज रहा है, ढूंढ रहा है, तो इसको मार दिया जाए। आप बदमाशों को जो बुलवाया था, हम अपना कहानी जब टोटल बता दिए तो उसी को गाली दे करके वो लोग हमारा पीठ थपथपा कर चला गया कि भाई तुम सही रास्ता पर हो, तुम लड़ो, तुम लोगों को कोई कुछ नहीं करेगा। दूसरे किसी से जो है बहुत सारा हमारे ऊपर केस करवाया कि इससे हैरान परेशान होकर के आ करके हमारा पैर पर गिर जाएगा, लेकिन वो भी करके हार गया। लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटे, केस होता गया, हम लोगों का मनोबल बढ़ते गया, हम लोग आगे बढ़ते गए कि भाई इसका कहीं ना कहीं तो अंत होगा। रोटी ही खा लेते हम लोग, आप पराठा बना दी। तो बनाए नहीं ना तेरे, हमने क्या एल्बम जाए ही से बनाओ तेरे। ऐसे ही साथ बैठ के तो नहीं खाते होंगे ना? और रोज क्या दोपहर में क्या खाते हैं आप लोग? रोटी। रोटी सुबह भी रोटी ना? सुबह में चावल खाते हैं। अच्छा, रात में भी रोटी, रोटी अब कम बना लेंगे। पापा के बारे में सब पता है प्रेरणादायी, लेकिन बिहार जो है पूरे देश में सबसे ज्यादा यहाँ पे गरीब है, बहुत ज्यादा। आंकड़ा ये कहता है कि 52% से भी ज्यादा लोग जो है वो गरीबी रेखा के नीचे, इससे भी ज्यादा है। अब हम बता रहे हैं 20% लोग अमीर हैं, 70% लोग जो हैं गरीब हैं बिहार में। यहाँ ना रोजगार का कोई व्यवस्था है, यहाँ तो रोजगार है ही नहीं, लोग बाहर जाते हैं। जैसे कि मैं अपने लड़के को भेजा हूँ दिल्ली, आ देखिए वहाँ भी जो है ठगी होती है, कोई ठेकेदार बुला कर ले जाता है, काम करा लेता है, पैसा नहीं देता है। अगर वही फैक्ट्री जो है हमारे बिहार में रहती
उस स्थिति से नहीं गुजरना पड़ता। तो ये जो गरीबी का प्रश्न है और एक भूमिहीनता का जो प्रश्न है, दोनों कैसे जुड़े हुए हैं? और क्या आपको लगता है कि जो थोड़ी बहुत भूमि अगर लोगों को मिले तो उनका जीवन बदलेगा? एकदम। देखिए, जैसे हम अपना बताए कि पहले स्थिति क्या थी, जैसे हम मजदूरी करते थे, कमाते थे, तो चावल खरीदते थे, सब चीज़ खरीदना पड़ता था, हम लोग के पास पैसा नहीं बचता था। आज जो है उस खेत से धान उपजा लेते हैं, गेहूँ, और इस समय तो गन्ना लगाए हुए हैं। कर्ज है, बहुत काफ़ी कर्ज है, केस लड़ने में, लड़की की शादी करने में, तो इसीलिए हम सोचे कि भाई कर्ज इतना आएगा कहाँ से, देंगे कैसे, गन्ना लगा दिए कि भाई इकट्ठा पैसा आएगा। और जो है जिनका जिनका कर्ज है, लगभग 2 लाख से ऊपर कर्ज है। क्या जो इतनी बुरी स्थिति है बिहार में लोगों की, खास तौर पर दलितों की, क्योंकि भूमिहीन वही लोग, तो क्या उनकी स्थिति बदलेगी अगर जो लैंड सीलिंग एक्ट है या फिर जो सरकार की तरफ से उनका लोगों का हक है खाली वही मिल जाए, तो उससे भी उनकी स्थिति बदलेगी? बदल जाएगी। देखिए, इसमें मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे संघर्ष करते हुए लगभग 21 साल चल रहा है, और इसमें बहुत सारी अनुभव हमको हुई है कि मैं इस काम के लिए जो सीलिंग एक्ट है, इसमें कहाँ कहाँ अड़चने हैं मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ। इसमें देखिए, अगर तो पहल का अड़चन है पदाधिकारी लोग, जैसे इधर जितने भी पदाधिकारी लोग हैं, जमींदार के दबाव में हमेशा रहते हैं, या तो पैसा ले लेते हैं या उस काम को नहीं करना चाहते। विधायिका है, सरकार है, तो सरकार में भी जमींदारों का लोग है, रिश्तेदार हो या मित्र हो, दोस्त हो। तीसरा हो गया न्यायपालिका, न्यायपालिका में भी वही हालात है, न्यायपालिका में भी इन लोगों का रिश्तेदार है या कोई घर का है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो क्योंकि उन्हीं लोगों के पास संपत्ति जमीनें थी, वही लोग जो है पढ़ करके उसमें गए हैं, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, कहीं से जो है दलित को मदद नहीं मिलती है। सरकार अगर चाहे, न्यायपालिका चाहे, तो एक दिन में सब काम हो सकता है, लेकिन इन लोगों का मन यही है कि भाई इन लोगों को गरीब ही बनाकर रखा जाए, इन्हीं लोगों से काम करवाया जाए। जो स्थिति इस समय बनी हुई है बिहार में, तो अगर वही स्थिति बनी रहे तब क्या भविष्य है? देखिए, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। अगर ये स्थिति बनी रही तो लोग जो है कानून को नहीं मानेंगे, सरकार को नहीं मानेंगे, जितने भी गरीब लोग हैं अपने धर्ज रखे हुए हैं, जिस दिन ही धर्ज खो देंगे उस दिन बहुत कुछ हो सकता है, उनका विश्वास उठ जाएगा, उठ गया है। 20 वर्ष का समय कम नहीं होता है, लोग जो है दौड़ते दौड़ते थक चुके हैं, कितने लोग मर चुके हैं, न्यायपालिका से हमको न्याय मिलेगा, सरकार हमको ये काम कर देगी। आखिर इसी तरह से लोग भूखे मर रहे हैं, या जिनके पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है तो क्या करेंगे, जिसके पास जोत के लिए ज़मीन नहीं है तो वही करेंगे, कानून को नहीं मानेंगे। कानून बना है तो उसको पालन कीजिए।